हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निगार। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कॉफ़ी का एक इतना ज़बरदस्त नुस्खा शेयर कर रही हूं जो सिर्फ मिनटों में आपकी स्किन को सोने जैसा निखार देगा। यानी इस ट्रीटमेंट से आपकी स्किन वाइटन अप, ब्राइटन अप और लाइटन अप हो जाएगी। इसके साथ साथ किसी भी तरह की आपको टैनिंग हो गई है तो वो आपकी मिनटों में रिमूव होने वाली है। कॉफ़ी का ये ज़बरदस्त निखार वाला नुस्खा जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको एक बार आप सब प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना और इसके मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं जो आपको आज ये कॉफी को यूज करने का तरीका बता रही हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट है। आज का ये तरीका अगर आप अपनाती हैं तो आपको फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी पार्टी या फंक्शन में आप जा रही हैं, उससे पहले अपने चेहरे को ये ट्रीटमेंट देना ना भूलें, क्योंकि पार्टी में आपका चेहरा देख के आपसे सब लोग जरूर पूछेंगे कि आपने क्या लगाया है। तो आई होप कि गाइज आज का ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। अगर मेरा ये वीडियो, मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के वंडरफुल और अमेजिंग रेमेडीज मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूं। तो चलिए देखते हैं कि मिनटों में हम कॉफी से निखार कैसे पा सकते हैं। इस फेशियल ट्रीटमेंट को करने से पहले गाइस आप अपने कपड़े ज़रूर चेंज कर लें, वरना कॉफ़ी के दाग आपके कपड़ों पे लग सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 2 रुपए वाले सैशे ले लिए हैं नेस्कैफे के। आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी ले सकती हैं और इन तीनों सैशे का यूज़ करने वाले हैं हम इस ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहले हमें एक सैशे डालना है खाली बाउल में, उसके बाद हम थोड़ा सा ऐड करेंगे रॉ मिल्क और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कर्ड यानी दही। तो यहाँ पे हम पहले अपना क्लिनजिंग करेंगे। फेस की क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे हमारे चेहरे की जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाती है और इससे हमारी स्किन ब्राइटन अप भी होती है और मॉइस्चर भी हमारी स्किन पे लॉक हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम पूरे फेस पे और नेक एरिया को आपको अवॉइड नहीं करना है। इस क्लिनजर से पूरे फेस की अच्छी तरह से आपको मसाज करनी है। कुछ इस तरह से जब आप मसाज करेंगी तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ भी हो जाएगी और स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन और क्लियर भी हो जाएगी। इस ट्रीटमेंट को आप अपने हैंड्स पे भी ज़रूर करें, क्योंकि फेस और नेक की स्किन बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप होने वाली है आपकी, तो आपके हैंड्स का कलर डार्क ना लगे, इसलिए इस ट्रीटमेंट को आप अपने हैंड्स पे भी अपनाएं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 1 से 2 सेकेंड का आपको इस तरह से क्लिनजिंग कर लेनी है गाइज, और उसके बाद हम नॉर्मल वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हम बनाने वाले हैं अपना स्किन ब्राइटनिंग फेस स्क्रब। तो इसके लिए एक सैशे फिर से मैंने इस बाउल में डाल लिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून शुगर, और इसके बाद यहाँ पे हमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ले लेना है और इसको भी हम इसी में खोल के डाल देंगे। और लास्ट में गाइस हमें इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये स्किन की डलनेस को ख़त्म करता है और चेहरे को ब्राइटन अप बनाता है। इसके यूज़ से हमारे चेहरे पर पड़ने वाले डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन भी रिमूव होते हैं। कॉफ़ी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उम्र से पहले चेहरे पर झुर्रियाँ और ब्लैक पैचेस जैसी प्रॉब्लम को दूर करती हैं। साथ में इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो हमारे चेहरे से डेड स्किन को हटाकर उसे ग्लोइंग बनाती हैं। तो यहाँ पे इस स्क्रब को हमें कुछ इस तरह से अच्छे से अपने फेस पे लगाकर 2 से 3 मिनट तक की स्क्रबिंग करनी है। इससे हमारे स्किन की पूरी डेड जो स्किन होगी वो निकल जाएगी और स्किन हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोई बनेगी। इस स्क्रब को आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, और नहाने से पहले इसका यूज़ करने से आपको कभी भी अपनी स्किन की डलनेस या फिर टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कुछ इस तरह से स्क्रबिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं गाइज, और उसके बाद इस स्क्रब को आपको अपने नेक एरिया पे भी करना है। नेक एरिया आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, और इस स्क्रब को आप अपने हैंड के ऊपर भी ज़रूर यूज़ करें। इससे आपकी हाथों की जो डेड लेयर्स वो निकल जाएगी, हाथों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, और अगर टैनिंग हो गई है आपके हाथों पे तो वो भी रिमूव हो जाएगी और वहाँ का जो स्किन है, वहाँ का जो कलर है वो भी फेयर हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट तक इस तरह आप हैंड के ऊपर मसाज करें, और इस मसाज को, इस स्क्रबिंग को आपको लगभग 5 मिनट तक करते रहना है। 5 मिनट बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लें, और क्लीन करने के बाद आप फेस का ग्लो देख सकते हैं गाइस, कि सिर्फ स्क्रबिंग और क्लिनजिंग से ही मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप और लाइटन अप लग रहा है।
अब हम बनाएंगे गाइस अपना स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग फेस पैक। तो इसके लिए 2 टीस्पून हमें चाहिए बेसन। बेसन स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये हमारे चेहरे को क्लीन करने के साथ साथ चेहरे पे पड़े हुए दाग धब्बों को भी रिमूव करता है। इसके बाद मैंने एक कॉफ़ी का सैशे फिर से इसमें ऐड कर लिया है गाइस, और 2 टीस्पून यहाँ पर हमें कर्ड डालना है। दही अगर ज़्यादा खट्टा होगा तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। और इसके बाद यहाँ पे एक टोमेटो हमें ले लेना है और इसको कट करके हाफ टोमेटो का जूस हमें इसमें ऐड कर देना है। टोमेटो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होने के साथ साथ विटामिन सी से भरपूर होता है गाइस। यहाँ पे मेरे पास लेमन इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो इसमें लेमन मैंने नहीं ऐड किया है। आप इसमें कुछ बूंदे लेमन जूस की ज़रूर ऐड करें तो इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा अमेजिंग होगा। तो इन सारी चीज़ें हमारी स्किन ब्राइटनिंग और लाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं गाइस। कर्ड हमारे फेस के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। स्किन की ब्राइटनिंग लाइटनिंग के साथ साथ चेहरे पे आने वाली रिंकल्स और फाइन लाइंस को ये रिड्यूस करता है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है टोमेटो का, और टोमेटो स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन लूज है या चेहरे पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो उसको रिमूव करने के लिए टोमेटो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो इस फेस पैक को कुछ इस तरह से हमें ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक थिक लेयर अपने फेस पे अप्लाई करनी है, और इस फेस पैक को आप अपने नेक एरिया पे ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने इस ब्राइटनिंग फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, और जब तक ये हमारा ड्राई नहीं हो जाता है, लगभग 15 से 20 मिनट तक का वक्त लगेगा, हमें तब तक इसको यूं ही लगा के छोड़ देना है। तो टोटल 20 मिनट तक मैंने इस पैक को लगाया हुआ था गाइस, और ये मेरा पैक जो था स्किन ब्राइटनिंग, ये बिल्कुल सूख चुका है। और अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा आया है। तो यहाँ मैंने हैंकी को कुछ गीला कर लिया है इस तरह से, और आप रिज़ल्ट अपने सामने देख सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा स्किन ब्राइटनिंग वाला रिज़ल्ट मुझे मिला है। स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप लग रही है। आप इस ट्रीटमेंट को करने से पहले बिफ़ोर और आफ्टर की पिक ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत ही अमेजिंग वर्क करने वाला है स्किन ब्राइटनिंग के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए। किसी पार्टी या फंक्शन में आप जा रही हैं तो उससे पहले ये कॉफ़ी का ट्रीटमेंट आप ज़रूर करें। इंस्टेंटली आपकी स्किन पे इतना ग्लो आ जाएगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपने कोई बहुत ही महंगा वाला फेशियल कराया है। कॉफ़ी स्किन के लिए बहुत ही हमारी मुफीद चीज़ है, बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, और कॉफ़ी तो मेरी फेवरेट है। जब भी मैं अपने फेस पे चाहती हूँ ब्राइटनिंग वाला इफेक्ट, या मुझे कहीं पार्टी फंक्शन पे जाना होता है, तो ये ट्रीटमेंट मैं करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, आप देख सकते हैं स्किन कितनी ज़्यादा लाइट लग रही है। पहले से कहीं ज़्यादा मेरा कॉम्प्लेक्शन आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली है तो सिर्फ कोकोनट ऑयल को आप स्किप कर दें, बाकी इस ट्रीटमेंट को आप कर सकती हैं। तो आई होप कि गाइस ये मेरा वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट और वीडियोज मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी जबरदस्त कंटेंट या ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।